गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग के अंदर। और अभी बज रहे 6:30 और दोस्तों मैंने लगाया 5 बजे का अलार्म उठने के लिए, बट फ़ोन दूसरी जगह रख दिया कूलर की आवाज़ के अंदर, आवाज़ आई नहीं अलार्म के बजने की, और इस चक्कर में लेट हो गए थोड़ा सा, क्योंकि हमको जाना था कहीं, जाके आपको बताएंगे वहाँ पर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो इस चक्कर वहाँ पर जाना था, और इसी चक्कर में वो अलार्म वगैरह हुआ ही नहीं। वैसे हमेशा फ़ोन को मैं अपने पास रखता हूँ, बट कल फ़ोन दूसरी जगह रख दिया तो अलार्म की आवाज़ ही नहीं है। और हो गया 6:30, 5 बजे का निकलना था मेरे को, मगर 6 बज गए मेरे को, 6:30 हो गए निकलते निकलते नहा धो के, क्योंकि मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे सबकी आस्था होती है, एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइफ में यार कुछ अच्छा नहीं चल रहा है मेरे साथ। पिछले 1 से 1.5 साल हो गए कुछ अच्छा नहीं चल रहा, प्लस पढ़ाई के अंदर भी इतना मन नहीं लग रहा है मेरा बिल्कुल भी, पढ़ाई करने बैठता हूँ बिल्कुल मन नहीं लगता बिल्कुल भी 1%। और इस चक्कर में थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा भगवान जी के दर्शन कर करा के आ जावे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बट काफ़ी समय हो गया मेरे को वहाँ पर गए हुए, कम से कम जमात अबलिया कम से कम मेरे को वहाँ पर जाते हुए नहीं गए हुए 3-4 साल हो गए वहाँ मंदिर पर, क्योंकि बहुत आस्था है, मैं बहुत मानता हूँ उस मंदिर को, ठीक है, हमारा तो एक तो है जो मतलब उनको ही मानता हूँ मैं। इस चक्कर में जा रहे हैं वहाँ पर पहुँच के ही वहाँ पर पहुँच के बात करें, क्योंकि अभी क्या है वहाँ पर बस नहीं मिलेगी, 6:30 बजे है और 6:30 बजे यहाँ से कोई बस नहीं मिलेगी। इस चक्कर में भैया नमस्कार। तो दोस्तों यहाँ से तो टेम्पो वगैरह मिल जाएगा स्टेशन से, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि समय भी हो रहा है। और अभी भी आपको कैसा लग रहा होगा, नींद आंखों में है एक्चुअली दोस्तों, क्या है नींद आती नहीं है मेरे को, रात में 1-1.5 बजे तक जगा रहता हूँ, नींद ही नहीं आती चक्कर में, तो इस चक्कर में 1-1.5 बजे तक जगा रहता हूँ, फिर उसके बाद आती तक सो जाता हूँ, सुबह 7:30 उठ जाता हूँ। तो अभी यही चल रहा है लाइफ में इसकी, क्योंकि कहते ना जब लाइफ खराब होना तो चेटी काटने से भाई इंसान मर जाता है, बस वही चल रहा है मेरे साथ में, बिल्कुल ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, पीने का मतलब ये है बिल्कुल, और बस चल रहा है आज वो क्या है, कुछ परेशानी भी हो रही है अपने साथ काफ़ी, तो इस चक्कर में दोस्तों भाई टेम्पू तो मिलने रहे नखरे कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है आज पेपर भी है राजस्थान पुलिस का, तो इस चक्कर के अंदर तो उसमें लगे हुए टेम्पू वाले, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा हम 3 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद वहाँ से मिले, क्योंकि जितने भी टेम्पू है वो वहाँ से जा ही रहे, सब स्टूडेंटों को लेके जा रहे हैं, उनपे जाना जरूरी है सबसे पहले यार, क्योंकि बंदे मेहनत करते काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मेहनत करते, आए हो जो भी पेपर दे रहे अच्छे पेपर करे, और हमारी भी चल रही है भाई तैयारी क्या चल रही है दोस्तों, मन नहीं करता आजकल बिल्कुल भी यार, पता नहीं कल मेरे साथ हो गया, ये 2-1.5 साल से हो रहा है कि बिल्कुल किताब उठाने का भी मन नहीं कर रहा मेरे साथ, और देखो क्या होता है, क्योंकि भाई देने का मतलब है बिल्कुल हेल लगे पड़े भाई लाइफ के बिल्कुल तगड़े तरीके से, अभी आगे जाके बस टेम्पो मिलता है और जाते हैं वहाँ मंदिर में, आपको उस मंदिर को भी दिखाएंगे, बहुत बड़ा मंदिर है वो, ठीक है। तो मेरे 4-5 साल से ज़्यादा हो गए दोस्तों, मैं वहाँ पे गया ही नहीं, अब देखो भगवान सुन लेता हूँ, क्योंकि इस बार ये भी मैंने सडनली प्लान नहीं बनाया था रात के अंदर, भाई जाना है मैंने कहा, तो जाना है कुछ भी हो जाए बस जाना है, तो सुबह पापा वगैरह भी कहने लगे जाने के लिए, मैंने कहा देखो तैयार हो जाओ, फिर पापा वगैरह कहने लगे तो एक काम कर तो होके आ जाओ, फिर अगली बार हम चल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, फिर देखो टेम्पू तो मिले नहीं है, और मेरे लगभग 7:45 होने को गए, और फिर तो जा रहे हैं भाई आगे तक, देखो हो जाएगा कुछ। तो दोस्तों ये पहला मंदिर है बाबा का, ठीक है, ये भैरव बाबा का मंदिर है सबसे पहला, तो यहाँ पे इनको सिद्धि प्राप्त हुई थी बाबा को, और ये सबसे पहला मंदिर है, फिर इसके बाद 2nd मंदिर आगे है, तो वहाँ पर भी जाएंगे, फिर यहाँ इसकी परिक्रमा करते हैं कर ले हम भी, फिर आगे शूट करते बात दोस्तों, है ना। तो दोस्तों ये कल पूरे परिक्रमा लगाते हमने परिक्रमा लगा ली, पूजा कर ली, ये वाला मंदिर है सबसे प्राचीन,
और फिर उसके बाद आगे हम जा रहे हैं मंदिर पे, और वहाँ पे ही अपने एक फ्रेंड भी है, उधर ही सेवा करता मंदिर में, तो उससे बात कर लेंगे अभी। तो अभी चलते हैं वहाँ पर ही। और देखो दोस्तों, सही से पहुँच गया आराम से, घर से ही 2 मिनट भी ज़्यादा नहीं हुए थे, घर से निकले 5 मिनट के अंदर अंदर घर के सामने ही मेरे को टैक्सी मिल गई, और फिर घर उसने रेलवे स्टेशन छोड़ा मेरे को। इससे बोलते हैं कि बुलाना होता ना कैसे ना कैसे बुला रहता है। मैं सोचा मेरे को मिलेगी नहीं, 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, मगर घर से निकलते ही मेरे को मिल गई टैक्सी, और फिर उसके बाद स्टेशन छोड़ा। स्टेशन से फिर वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि पेपर चल रहे, पेपर वाले बच्चे आए हुए थे तो उनको छोड़ने में लगेगा, थोड़ा आगे निकले, फिर वहाँ पर हमको टेम्पो मिला, फिर वहाँ से आए बैठे यहाँ पर। हम पहुँच गए भाई राजगढ़। ये राजगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है भैरव धाम, तो हम वहाँ पर ही आए हुए थोड़ा दिल के संतुष्टि के लिए, क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको, कुछ अच्छा नहीं हो रहा लाइफ के अंदर बिल्कुल ही, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कॉम्पिटिशन में रह रहा हूँ, इस चक्कर में आने का कुछ तो हो जा रहा है। तो पहले से भी आस्था है मेरी इनसे, 4-5 साल के बाद आया मैं यहाँ पे वापस, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कहते एक कहावत है ना, ऊँट पे बैठा हो पूरे जब दिन पूरे हो तो ऊँट पे बैठा हुआ कुत्ता काट जाता है, मगर मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है, अगर चींटी भी खा रहे हैं ना तो भी बुरा हो जाता है मेरे साथ। ठीक है, तो बस यही चल रहा है अभी लाइफ के अंदर ही। तो दोस्तों यहाँ लाइन लगी हुई बहुत लंबी, जब इतनी भीड़ है इस मंदिर में, कितनी भीड़ आती है आप भी देख लो, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ पे काफ़ी समय बाद आए हम भी, ये देखिए आप ठेठ से ठेठ तक लाइन लगी हुई है। और ये राजगढ़ धाम है भैरव बाबा का, मसाणी भैरव बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है अजमेर के अंदर, और हर रविवार यहाँ बाबा बैठते, और बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे। और देखो मैंने खुद ने पे अजमा रखा है मंदिर के अंदर, खुद ही आ रखा हूँ मैं, और मेरी तो खूब मनोकामना पूरी हुई है, बट 4-5 साल के बाद ही आया हूँ अब। तो अभी तो यहाँ पर लाइन लग रही है, अब लाइन के बाद जब अंदर चौकी होगी तब जाएंगे वहाँ पर, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि कुछ सेफ्टी रीजन के कारण भी आपको आगे यूज़ नहीं करा सकते, उससे अलाउ होते हैं कि मोबाइल, मगर मैं अपने खुद के उसके लिए, क्योंकि आगे भी सेफ्टी रीजन भी हो सकते हैं यार, इस चक्कर में उसके बाद नहीं यूज़ नहीं करूँगा कैमरा बैठने के बाद, फिर उसके बाद मंदिर में से आने के बाद फिर कंटिन्यू यूज़ करूँगा, क्योंकि फिर मंदिर में 2 देने के बाद फिर आता हूँ मैं कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली दर्शन करके आ गए, और भाई बहुत भीड़ थी, कम से कम लाखों की, हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे, और सुबह के 8 बजे के लगे लगे अब जाके नंबर आया, अब जाके निकले तो मंदिर में से बाहर, बहुत भीड़ थी भाई, और क्योंकि रविवार यहाँ पे तो चौकी लगती है बाबा की इस चक्कर में, और रविवार ही यहाँ भीड़ रहती है। तो दोस्तों ये एक मंदिर ऐसी है जहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, ना माला चढ़ती है, ना अगरबत्ती चढ़ती है, नारियल चढ़ता है। ठीक है, आप सच्चे मन से आओ। हमने अपने जूते जमा कराए थे, जूते ले लेते अभी, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो गाइस भाई सुबह भूखे निकले थे, और अब भयंकर वाली भूख लग रही है, और टाइम क्या हो रहा है यार, टाइम देख के बताता हूँ, पहले टाइम भी नहीं पता मेरे को, टाइम हो गया भाई 12:30, तो देख लो 4-1 घंटे हो गए भाई सफ़र करे करे, सुबह से सफ़र तो क्या, बैठे बैठे मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी, सुबह से निकले हुए हम तो 6-7 घंटे हो गए उधर से निकले हुए। अब यहाँ पे देखते कुछ होता है कि, जैसे यहाँ पे तो कुछ खाने पीने का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना लगाते नहीं है, और ना यहाँ पे कोई चढ़ावा चढ़ता है। और यहाँ पे भाई सही बताऊँ तो पुलिस का दस्ता ही बहुत है यहाँ पे, यहाँ पे पूरी पूरी फैसिलिटी है, इससे बात की फैसिलिटी नहीं है, और अभी देखते कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, ये तो फिर नहीं मिलेगा तो आगे बस में बैठ के फिर चलना है भाई घर, और भाई वहाँ पे तो मिल जाएगा अजमेर के अंदर। अभी राजगढ़ सब निकल रहे हैं अभी मंदिर से। फाइनली दोस्तों घर पे पहुँच गए हम लोग, मैं पहुँच गया घर पे यार, काफ़ी देखो पसीने से बीच के साथ पसीना आ रहा है, जस्ट पहुँचा हूँ, और क्या वहाँ पे मैंने थोड़ा सा तो करा था यार, जूस पिया था गन्ने का, फिर मैंने कहा ज़्यादा सब जल्दी जल्दी जाने के टेम्पो वाला खड़ा था जाने के लिए, मैंने कहा बैठ जाता है, और तुरंत बैठ के फिर उसके साथ वही घर पर आ गए, और अभी पहुँचा हूँ। और ये ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।